बार फिर उत्तर प्रदेश में होगी सपा और बीजेपी की टक्कर। 9 विधानसभा सीटों पर होगा सेमीफाइनल मैच, जो जीता वही बनेगा 2027 का सिकंदर। 9 विधायक बन गए सांसद तो खाली हो गई विधानसभा सीटें। देखिए कौन सी सीट पर किसके पक्ष में अब की बार बन रहे सियासी समीकरण। अब चुनाव आयोग पर सबकी नजर, दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ ही हो सकते हैं उपचुनाव। देखिए कौन कौन सी सीट पर होगा घमासान। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर हुई, तो अब एक बार फिर सपा और बीजेपी आमने सामने होंगे और दावा किया जा रहा है कि अब की बार सपा बीजेपी पर 20 पड़ेगी। उपचुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है और जल्द ही 9 विधानसभा सीटों पर सियासी प्रचार का भोपू बजने वाला है। ऐसे में अब हल्ला बोल होगा और हलचल भी तेज होगी। जो विधायक सांसद बन गए हैं उन विधानसभा सीटों पर हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक विधान परिषद की सीट पर जल्द उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद बन गए हैं, तो अब करहल में भी उपचुनाव होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, तो मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक लालजी वर्मा भी सपा के टिकट पर सांसद बन गए हैं, तो अब कटेहरी में भी उपचुनाव का ऐलान होगा। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क सांसद बन गए हैं, तो अब कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव होगा। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनूप वाल्मीकि सांसद बन गए हैं, तो अब खैर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान होगा। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग सांसद बन गए हैं, तो अब गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान होगा। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए हैं, तो अब फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी विधायक चंदन चौहान सांसद बन गए हैं, तो अब मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मझवा विधानसभा सीट से विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं, तो मझवा सीट पर भी विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान होगा। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जो विधान परिषद सदस्य थे, वो अब पीलीभीत से सांसद बन गए हैं, तो अब विधान परिषद का भी चुनाव होगा। तो ये वो 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है और इन पर देखना दिलचस्प होगा कि सपा और बीजेपी के आमने सामने की जंग में कौन जीतता है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तो दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस सुधरा है और जिन जिन विधानसभा सीटों के विधायक समाजवादी पार्टी से हैं और वो सांसद बन गए हैं, उन विधानसभा सीटों पर सपा ही जीतेगी और सपा हो सकता है कि बीजेपी के कब्जे वाली सीटों को भी अपने पाले में कर ले। ऐसे में अब सबको इंतजार उस पल का है जब चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और चुनाव प्रचार होगा, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद मतदान होगा और मतदान के बाद जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी का दबदबा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।